श्वेता, उसका हाथ मत छोड़ना। हेल्प मी प्लीज। राज, राज कहां जा रहा है? राज पागल है क्या? राज भी छोड़ो उसे, वापस आओ। तुम पागल हो गए हो क्या? Thanks. Please उस रस्सी को पकड़िए। अरे राज, यही तेरी श्वेता है? हाँ, क्यों? आपकी तो बात हुई थी ना उससे, तो आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मेरी इससे नहीं, उससे बात हुई थी। अरे दोनों ने पिंक सूट पहना हुआ है, ऐसे क्या देख रहे हैं? हो गई गलती भैया, वो सावरी है, वो श्वेता के साथ ही रहती है। यार इसलिए मैं इतनी देर से कंफ्यूज हो रहा हूं कि तुझे सावरी जैसी लड़की से कैसे प्यार हो सकता है। तेरी चॉइस सावरी नहीं हो सकती? इतनी सुंदर, इतनी शांत, अपने आप में रहने वाली। आप ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर साहब, हम पुलिस स्टेशन आ जाते हैं आपकी कार्रवाई के लिए, अगर आप चाहे तो। ब्रिजेश जी, मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी, और हमें लगता है कि एक हादसा था। आप अपनी बेटी को घर ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर। बेटा राजवीर, यही नाम है तुम्हारा? जी। समझ में नहीं आता कैसे धन्यवाद करूं तुम दोनों का। अरे तुम लोग नहीं होते तो जाने क्या हो जाता। तुम लोगों का एहसान हम हमेशा याद रखेंगे। वो भी पहली बार नहीं भाभो,
तीसरी बारी श्वेता की जान बचाई है। आप लोग तो खामखा में शर्मिंदा कर रहे हैं, ये तुम्हारा फर्ज था। उल्टा अगर हमारे सामने इन्हें कुछ हो जाता तो हम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाते। आप लोगों को हमारे घर जरूर आना पड़ेगा। देखिए ना ना कहिए। बिल्कुल बिल्कुल आना पड़ेगा। हाँ। आप लोगों को क्यों नहीं, आप लोगों ने इतने प्यार और सम्मान के साथ बुलाया है तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं। क्यों राज? ऑफकोर्स। अच्छी लड़की है राज। भाई साहब आफ्टर ऑल चॉइस किसकी है, और मुझे पक्का यकीन था कि आपको मेरी चॉइस कभी खराब लगी नहीं सकती। पता है भाई साहब, वो बिल्कुल मेरी तरह है, हमेशा हंसते खेलते रहने वाली, लाइफ को एंजॉय करने वाली, फन लविंग, हाई ऑन लाइफ। बस एक प्रॉब्लम है, उसे अक्सर अपनी लाइफ को खतरे में डालने की आदत है। और तू बार बार खतरों से उसकी जिंदगी को बचा लेता है। एग्जैक्टली। राज एक बात बता यार, वो जो श्वेता के साथ दूसरी लड़की है, क्या नाम है उसका? सावरी। क्यों? हाँ हाँ सावरी, वो उसकी बहन है क्या? पता नहीं, शायद शायद नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, शायद वो उसके साथ ही रहती है। आप इतने पूछताछ क्यों कर रहे हैं? अरे मैं कहाँ पूछताछ कर रहा हूँ यार, ऐसे जनरली पूछ रहा था। अब श्वेता के साथ रहती है तो पता होना चाहिए कि उसकी बहन है, दोस्त है, रिश्तेदार है, नहीं? मुझे तो लगता है कि बात कुछ और ही है। राज कोई बात नहीं है, और हमें बहुत देर हो रही है राज, हमें घर चलना चाहिए सीधे। भाई साहब इंतजार कर रही होंगी, नाराज हो जाएंगी। भाई साहब प्लीज बस थोड़ी देर और। परेशान हो रही होंगी, दोनों बच्चे कहाँ रह गए? भाई साहब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर और। हम ऑलमोस्ट देखिए, अब हम ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच ही गए। अब यहाँ से लौट कर जाएंगे तो रूड लगेगा ना भाई साहब? और अगर धासा नाराज हो गई तो कितना रूड लगेगा? तो आप किस लिए हो भाई साहब? आप उन्हें मना लेना, सिंपल। और भाई साहब देखिए, ये राजपूत फैमिली है, अगर गुस्सा हो गई ना तो तलवारें निकलेंगी, फिर तो प्रॉब्लम हो गई। और अगर धासा नाराज हो गई ना तो तोपे चलेंगी, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई साहब प्लीज। तू नहीं सुधरेगा यार। चल ठीक है, बस थोड़ी देर। जी बैठ बैठ। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तेरे से सफाई मांगी किसी ने? नहीं ना, एक जवाब जरूर मांगूंगा मैं, तू हमारा पैसा कब देने वाला बे? मगर पैसा तो दे चुका हूँ सारा मैं। याददाश्त इस उम्र में इतनी कमजोर है तेरी, हैं? ए, बाकी है, बहुत बाकी है अभी। उस रात तू मोटी रकम हारा था हमसे, समझा क्या? बच्चा है तू बच्चा, और बच्चों से हम जरा नरमी से पेश आते हैं। एक मौका देता हूँ तेरे को, आज आधी रात से पहले हमारा सारा पैसा दे दे। मगर आधी रात तक ये इतनी जल्दी? मैं को अपना टेंशन मत दे, अच्छे बच्चे की तरह मेरा सारा पैसा पहुँचा दे, वरना आज रात अपने घर में चाय बना के रख, हम लोग आएंगे तेरे घर पे, समझा? Thank you. तुम ये सब क्यों कर रही हो? राम सिंह है वो कर लेगा, तुम बैठो। नहीं ताईसा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कर लूंगी। राज लीजिए ना शरबत। थैंक्स। ये लीजिए, ये हमारी भाभो ने खुद अपने हाथों से बनाया है। हमारी भाभो के हाथों जैसा स्वाद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप तो खामखा फॉर्मेलिटी में पड़ रही हैं। It's perfectly all right, आप। अरे भाई इसमें फॉर्मेलिटी की क्या बात है? पहली बार आप लोग हमारे घर आए हैं, खाइए खाइए। इसका मतलब यह है कि जब हम अगली बार आएंगे तो ये सब नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है राज, बस इतना सा। एक्चुअली मेरे भाई डाइटिंग पर है इसलिए।
कौन कौन लोग हैं तुम्हारे घर में? एक्चुअली जब हम बहुत छोटे से थे तभी हमारी मम्मा का स्वर्गवास हो गया। कुछ साल बाद पापा भी हमें छोड़कर चले गए। अब परिवार के नाम पर हम दोनों हैं और हमारी दासा। उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, और आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से। अपना कहने के लिए इस दुनिया में सिर्फ वही है हमारी। एक्चुअली हम हमारी दासा को बहुत चाहते हैं और वो भी हमसे बहुत प्यार करती है। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमें पाल पोस कर बड़ा किया। कहा जाता है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन हमारी दासा ने इस बात को झुठलाया। वो तो माँ से भी बढ़कर है। कभी हमें यह एहसास नहीं दिलाया कि हमारी माँ नहीं है। हम उनके लिए सब कुछ हैं और वो हमारे लिए। कौन किसी पराई के बच्चे को इतना प्यार, इतनी ममता देती है। तुम्हारी बातों को तो सुन के लगता है कि तुम्हारी धासा बहुत नेक इंसान होंगी। सच कहूं तो शब्दों में उनके बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। वो क्या है ये तो उनसे मिलने के बाद ही समझा जा सकता है। भाई फिर तो उनसे मिलना ही पड़ेगा। थोड़ा सा वक्त निकाल कर हम उनसे मिलने जरूर जाएंगे। अब हम दोनों को चलना चाहिए राज। धासा परेशान हो रही होंगी कि कहां गए हम दोनों। जी भाई, जितना अच्छा लगा उनके धासा के बारे में सुन के, उतना ही अच्छा लगा ये देखकर कि ये बच्चे कितने आदर से बात करते हैं उनके बारे में। ये बात संस्कारों की होती है ब्रजेश, और इन दोनों के संस्कार बहुत अच्छे हैं। मुझे तो लड़का अच्छा लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है ब्रजेश? हाँ बाबू, वो सही बात है। आजकल इतने संस्कारी लड़के मिलते कहाँ हैं, और ऐसे लड़के जो बड़ों का इतना आदर करते हो। अरे ये बच्चे तो अपनी गाड़ी की चाबी यहां छोड़ गए। सावरी जाओ बेटे, इनकी चाबी देकर आओ जल्दी। भैया मुझे गाड़ी की चाबी दीजिए, गाड़ी मैं चलाता हूं। हेलो चाबी। थोड़ी देर रुकना, एक बढ़िया सा तुक्का मारा है, लग गया तो ठीक वरना कोई बात नहीं। तुक्का मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। गाड़ी की चाबी मैं जानबूझकर अंदर बुलाया हूँ। बस तुझे जितनी भी देवी देवताओं के नाम याद है सबके नाम का प्रसाद बोल दे कि वो चाबी घर के किसी नौकर के साथ ना भेजे, किसी स्पेशल के हाथों भेजे। समझा? थोड़ा थोड़ा समझ गया। भाई सा सावरी आ गई। सुनिए जी, ये चाबी आप अंदर भूल आए थे। थैंक्स। इसमें थैंक्स की क्या बात है? अगर चाबी मिल जाती तो घर चले जाते। ओह, आई एम सो सॉरी। खम्मा घड़ी। गणी खम्मा। खम्मा घणी हो गया भाई साहब, और उन्होंने हमारी गाड़ी की चाबी दी है, कोई गिफ्ट नहीं। लेकिन ये किसी गिफ्ट से कम भी तो नहीं है। ये छोटी सी प्यारी से मुलाकात, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या मिलेगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अब घर चले, धासा इंतजार कर रही है। और जल्दी चलिए वरना धासा का गुस्सा गिफ्ट के रूप में हमारा इंतजार कर रहा होगा।
सांवरी, आज बहुत दिनों बाद मुझे इतना 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 अच्छा लग रहा है। तो फिर मुझे भी इतना 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 अच्छा लग रहा है। एक बात पूछूं सांवरी? जानती हूँ क्या पूछने वाली है। यही पूछने वाली है ना कि सांवरी बताना, सच सच बता, तुझे राजवीर कैसा लगा? यही ना? वाओ, एग्जैक्टली यही, सच्ची बोलना। मुझे तो ओके ओके सा ही लगा। व्हाट? ओके ओके सा? अभी बताती हूँ। अच्छा तो है, तुझे अच्छा लगा होगा, मुझे तो ओके ओके सा ही लगा। हाँ तो ठीक है ना, तुझे ओके ओके ही लगना चाहिए। अगर तुझे भी अच्छा लगने लगा तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा बता, तुझे यही पूछने वाली है ना, तुझे उसमें क्या क्या अच्छा लगा? वाओ, मैं भी तुझे समझती हूँ। क्या बताऊं, कहां से शुरू करूं? एक्चुअली सब कुछ अच्छा है, उसकी आंखें, उसकी बातें, उसकी नॉटी नॉटी सी स्माइल, सब कुछ। हुकुम खंबागणी। खंबागणी, जल्दी जाइए आप लोग, धासा कब से आप दोनों की राह देख रही हैं। मर गए, अब क्या कहेंगे धासा से कि देर क्यों हो गई? धासा, धासा देखो कौन है। क्या हुआ राज, तेरी आवाज को क्या हुआ? वो डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही। धासा, आ गई। कितना तरसा हूं मैं धासा आपके लिए, आज आपको सामने देखकर दिल को सुकून मिला है।